अरे संस्कृत न बोलो, नहीं बोलो, बोलने में कोई समस्या थोड़ी हमसे बोले, लेकिन संस्कृत का अर्थ यदि होता रहता है तो कोई समस्या नहीं है। संस्कृत क्या लोग समझते नहीं, हमारे देववाणी संस्कृत है। नहीं तो क्या मैंने अब आपने जाकी चौपाइया पर रहे हो कि जाने बीनू न हो ये प्रतीति, बिनु प्रतीति हो या नहीं प्रीति। तो जानकारी भी मिलेगी तो बिना भगवान की कृपा की नहीं मिलेगी। राम कृपा बिनु सुन धरि राई, पर जानी न जाए राम प्रभु ताई। बिना भगवान की कृपा की जानकारी नहीं मिलेगी। यही पर कृपा न करई मुराई। राम के पास यह भक्त गया, बोला प्रभु हमें अपनी कृपा दे दो। राम ने कहा इसे मेरी कृपा नहीं मिलेगी। कहा फिर कर यही पर कृपा न करई मुराई। जिस भक्त पर भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे उसको भक्ति नहीं राम की मिलेगी। संदेह तो भगवान की कृपा कैसे मिलती है? कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें जो कृपा मिल जाए? भगवान शंकर पार्वती ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। यदि इनकी कृपा हम सब पर हो जाए तो महाराज निसंदेह उनकी कृपा हम। तो माता पार्वती शंकर जी की कृपा होगी। तो यही तो हमारा प्रश्न था कि क्या हम करें जो भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा कैसे मिलती? निर्मल मन जल तो भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम भगवत भक्ति नहीं पूछ रहे, भक्ति अलग है और कृपा अलग है। हम पूछ रहे भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। और तुम बता रहे भक्ति निर्मल मन जल सोमई पाला मोई कपट छल क्षेत्र न भावा। भक्ति की जानकारी नहीं अलग रहे हैं। हम कह रहे कृपा भगवान की कैसे मिलेगी, कृपा का क्या आधार है, कृपा कैसे मिलेगी। भक्ति को बताओ, भक्ति तो हमको भी पता है लेकिन कृपा भगवान की कैसे मिलेगी। कृपा बढ़ाओ, सब तो लड़ाई लो। भवानी शंकर बंदे ये पढ़ चुके हैं पहले तुम्हारा एक बार कृपा कैसे मिलेगी। आप भगवान शंकर और मैया पार्वती की आराधना करें, उनके प्रति समर्पित हो जाए। तुम कहते हैं भगवान शंकर के प्रति समर्पित हो जाओ तब कृपा मिलेगी। निसंदेह। और हमको कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान के प्रति हम समर्पित होने वाले नहीं है। आप कहते हैं जब आराधना करेंगे भगवान की तब भगवान की कृपा होगी। लेकिन हमने तो ये जाना कि भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान की आराधना करेंगे नहीं। जब कृपा भगवान की होगी तभी हम भगवान की आराधना करेंगे। प्रमाण हमसे ले लो। अब प्रभु कृपा करो ये ही भांति और सब तरी भजन करो दिन। जब भगवान की कृपा होगी तब भजन मिलेगा। तो जब हम उसके पात्र होंगे तभी तो भजन हो पाएगा। कृपा के पात्र जब तक हम भजन के योग्य नहीं होंगे तो क्या ये शरीर से भजन हो पाएगा? भजन के पात्र कैसे बने? शिष्य गया गुरु जी के पास। गुरु बिनु भवन निधि
और देखो शिष्य ऐसे जाए वो पात्र बने श्री गुरु चरण सरोज रवे, श्री गुरु चरण सरोज रवे, निज मन मूल सुधार। जब तक के ये मन रूपी दर्पण सुधरेगा नहीं, स्वच्छ नहीं होगा, निर्विकारी नहीं बनेगा, तब तक भगवत कृपा भी होने वाली। तुम कहते हो जब तक मन निर्मल नहीं बनेगा तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। अंतर केवल हमारे आप में इतना है, आपका वाक्य है कि जब तक निर्मल मन नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और हमारा कहना है कि जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये मन निर्मल होने वाला। बिना कृपा के मन निर्मल होगा ही नहीं, प्रमाण हमसे ले लो। मन भी निर्मल होगा तो भगवान की कृपा से ही होगा, क्योंकि क्रोध है मनोज, लोभ है मारी माया, अछूत है सकल राम की दया। जब भगवान की दया होगी, जब भगवान की कृपा होगी तो हमारा मन निर्मल होगा, और तो भगवान की कृपा नहीं है तो मन निर्मलता की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि आवत ही शर अति कठिनाई और राम कृपा बिन आई न। अच्छा ये फिर क्यों कहा निर्मल मन क्या निर्मल मन जन सो तो क्या जिसका मन निर्मल नहीं है क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है? अगर किसी ने किया हो तो किया है। ये प्रमाण चले जाते मुनि दीन दिखाई तो सुनता का क्रोध करी भाई। तारका का मन निर्मल नहीं है, तारका तो बुरे कर्म करती साल संतों को सताती है, नहीं फिर भी भगवान के सामने पहुंच गई, फिर भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। एक ही बात आप किसी के राज्य में जाए और बिना आज्ञा के आप प्रवेश कर जाए और प्रवेश करने के बाद फिर आप लड़ाई कर दे तो फिर उस राज्य का राजा क्या करेगा? लड़ाई लड़ने के लिए वो बाधित होगा कि नहीं? सुनी तो जिस समय विश्वामित्र ने कहा राम यही ताकत मन है, उस समय राम ने अपनी धनुष से चरपोर की तो धनुष की ध्वनि को सुन करके वो योद्धा थी। तो योद्धा का धर्म यही है, अगर हमें युद्ध के लिए कोई ललकारे तो फिर हमें अपना पद पीछे नहीं हटाना चाहिए। संपद यश ना हो विपद ना बिछानो, चाहे रखना करके तो काम खराब थे, चोरी करके थे, डकैती डालते थे, लूट मार करते थे, मन निर्मल नहीं था। रखना करता चोरी करना, डकैती डालना, लूट मार करना, हत्या करना, मन निर्मल नहीं था। तो फिर रचना कर पर भगवान की कृपा कैसे हो गई? जब रचना करने समर्पण कर दिया, कब? जब तक समर्पण नहीं किया, समर्पण नहीं किए तो तब तक कृपा नहीं निर्मल नहीं हुआ। कृपा कृपा कब हुई? रचना कर जब वो समर्पित हो, समर्पित कब हुए? जब वो परिवार में गए तब पूछा, परिवार में उन्हें धोखा दे दिया, छोड़ दिया, कहे ये तुम्हारा कर्म है। कृपा रचना कर कब हुई? जब चोरी करके थे तब कृपा हुई? जब वो संतों के प्रति समर्पित हो गए तब हुई। संतों के प्रति वाक्य इनका है, संतों के प्रति समर्पित हो गए तब कृपा हुई, और हम कहते पहले हो गए कृपा। तुम कहते हो संतों के प्रति जब समर्पित हुए तब रत्ना कर भगवान की कृपा हुई, और हमारा कहना है कि रत्ना कर भगवान की कृपा न होती तो संत मिलते हैं नहीं। समर्पित होने तो बात की बात है, लेकिन संत यदि मिल गए हैं
जरा तो पुण्य भी यदि करोगे तो क्या बिना भगवान की कृपा के पुण्य कर पाओगे? कर्म प्रधान भी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल। लेकिन कर्म करोगे जब भगवान की कृपा होगी, कृपा नहीं है। तुम कह रहे हो तुम कह रहे हो कर्म प्रधान विश्व करी रखा, लेकिन हमने तो ये जाना है कि हुई है सुई जो राम ने चीरा था, तो करी तर्क बढ़ावे। हम यदि कर्म भी करेंगे, कर्म भी यदि हम करेंगे, तो यदि कृपा नहीं है तो कर्म नहीं होएगा। बड़े भाग मानस्तम बाबा।